1927 में जन्म हुआ था, 1999 में नाम इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखते थे। उनका रचना ने भौतिकता और यांत्रिकता के दौर में कविता की महत्ता को दर्शाया। कविता की उड़ान सीमातीत है, यानी कविता का खिलना इस घर उस घर कविता के पंख जाने उड़ाने मतलब प्रतीक मना करके जो कुंवर नारायण है कविता। के बहाने सभी के विचारों तथा भावनाओं की कल्पना के पंखों की सहायता से भरी गई उड़ान है। जिस प्रकार चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है उसी प्रकार कवि भी कल्पना के सहारे कविता में अपने मनोभाव को प्रकट करता है। कवि की कल्पना असीम एवं अनंत होती है, उस पर देश और काल का कोई बंधन नहीं होता है। वह अपनी कल्पना के सहारे संपूर्ण धरती पर ही नहीं असीम आकाश में उड़ता है। चिड़िया अपने पंखों से उड़ती है तो है, चिड़िया अपने पंखों से उड़ती तो है परंतु उसकी उड़ान की एक सीमा है। वह एक घर से दूसरे घर के बाहर या भीतर तक ही उड़ती है। और कविता जब कल्पना के पंखों से उड़ती है तो उसमें बाहर भीतर की कोई सीमा नहीं होती है। कविता की इस असीमित विस्तार वाली उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से नहीं की जा सकती। यानी इसमें विशेष संदेश कवि इस अंश के द्वारा ये देना चाहते हैं कि कविता के कल्पना की सहायता से भरी जाने वाली उड़ान बताया गया है यहाँ पर, यानी चिड़िया की उड़ान उसकी बराबरी नहीं कर सकती। कवि देशों और समय की सीमाओं की लांघती हुई और जनमन को प्रभावित करती है। यानी चिड़िया आकाश में अपने पंखों के सहारे एक सीमा तक ही उड़ती है परंतु कविता कल्पना के सहारे लोगों के मन की गहराई पाती है। कविता को जनमन रंजन की शक्ति असीमित है। चिड़िया की उड़ान के माध्यम से कवि ने कविता के अपूर्व प्रभाव की महिमा यहाँ पर प्रकट की है। तो यहाँ पर हम देखें कि बाहर भीतर है और इस घर उस घर में किसका अलंकार उपयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट हम देखें कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने। फूल क्या जाने हम देखें कि खिलना मतलब कहता है सीमित स्थान होता है। कविता ने पक्षी के पक्ष में यहाँ पर सीमित स्थान बताया है। उसकी सुगंध से यहाँ पर इस अंश में कर रहा है आनंद में प्रभाव व्यक्त करते हैं किंतु कविता के खिलने की तुलना फूल के खिलने से
नहीं की जा सकती। फूल जब खिलता है तो उसकी सुगंध उसके निकटवर्ती स्थान तक ही फैलती है। कविता के सरस प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। कविता का रसात्मक आनंद है, समस्त विश्व को सुख देता है। कुछ दिनों के बाद फूल मुरझा जाता है और उसकी सुगंध भी नष्ट हो जाती है, किंतु कविता की सरसता अनंत काल तक संपूर्ण संसार को आनंद का अनुभव कराती रहती है। यानी कवि ने फूल और कविता की समानता उससे खिलने करती है। फूल की महक अपने आसपास के घरों के बाहर या भीतर लोगों के आनंद देती है। उसकी महक दूर के स्थानों तक नहीं पहुंच पाती है। यानी फूल मुरझा जाता है, उसकी सुगंध नष्ट हो जाती है, परंतु कविता कभी भी मुरझाती नहीं है। अर्थात कविता की रसात्मक समय बीतने पर नष्ट नहीं होती है। कविता कभी पुरानी नहीं पड़ती है, वह हर काल में लोगों को आनंद देती रहती है। तो इसमें बिना मुरझाए महकने के माने यहाँ पर बताया गया है। बिना मुरझाए महकने के मामले में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर खिलना में यमक अलंकार प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर हम देखें नेक्स्ट, जैसे कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर इस घर यह घर सब घर एक सीता की तुलना यहाँ पर बच्चों के खेल से कवि कर रहा है। आपकी कवि कहता है कि कवि कविता बच्चों के खेल के समान है। बच्चों के घर के बाहर और अंदर एक घर से दूसरे घर तक वे रोक टोक खेलते हैं। वे अपने खेल द्वारा सभी घरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। खेल द्वारा सभी भेदभावों को मिटाकर सच्ची एकता पैदा करने की क्षमता बच्चों में होती है। कविता भी बच्चों के खेल की तरह है। कवि अपने भावों और विचारों की कल्पना करके उनके साथ खेलता है। उनकी कविता का प्रभाव सभी श्रोताओं और पाठकों पर होता है। कविता का आनंद देश काल की सीमाओं से नहीं बनता है। सच्ची कविता सभी कालों में और सभी देशों में लोगों को प्रभावित करती है। दूरियां मिटाकर संसार में वास्तविक एकता कविता ही ला सकती है। तो यहाँ पर कविता की तुलना बच्चों के खेल से करते हुए कवि संदेश देना चाहता है कि जैसे बच्चे निष्पक्ष भाव से क्या करते हैं, निष्पक्ष भाव से एक घर से दूसरे घर में खेलने चले जाते हैं, इसी प्रकार एक अच्छी कविता भी बिना किसी पक्षपात के सभी का मनोरंजन करती है। बच्चे जिस प्रकार अपने खेलों में एक घर से दूसरे खेल को जोड़ते हैं, यानी एक घर से दूसरे घर को जोड़ते हैं, कवि उसी प्रकार अपनी कविता में से समाज और देशों को एक दूसरे से समझने का अवसर प्रदान करता है, उन्हें परस्पर मिलाता है। तो यहाँ पर बाहर भीतर है, इस घर उस घर में बच्चों के बहाने में सब में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर हम देखते हैं बात सीधी थी पर, जैसे कि की कोशिश फिराया और फिर बात याद है यहाँ पर सरल की अदला बदली करना बदलना तोड़ा मोड़, यहाँ पर कवि ने इस अंश में उन रचनाकारों पर मधुर व्यंग करने के लिए क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया करते हैं। कवि कहता है कि वह जो बात पाठकों तक पहुंचाना चाहता है वह बिल्कुल सीधी और सरल थी, परंतु वह उसे प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करना चाहता था। भाषा को आकर्षक बनाने पर अधिक ध्यान देने के कारण कथ की सरलता ही नष्ट हो गई, वह स्पष्ट होती चली गई। कवि ने बात की सरलता को नष्ट होने से बचाने के लिए भाषा में संशोधन किया, शब्दों को बदला और वाक्य रचना में फेरबदल किया। उसने प्रयास किया कि बात की सरलता बनी रहे और भाषा की क्लिष्टता और दिखावटी स्वरूप से छुटकारा मिले, परंतु इससे बात व भाषा और अधिक उलझती चली गई। यानी कवि का कहना है कि भाषा की सजावट पर अधिक बल देने से कथ्य का संदेश और सहजता स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार काव्य रचना का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।
सहज सरल भाषा के प्रयोग के द्वारा कथन के भावों और विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रकाशित किया जा सकता है। कवि ने आम भाषा का प्रयोग करते हुए यह गहरा संदेश सफलता से प्रस्तुत किया हुआ है। यानी भाषा के चक्कर में टेढ़ी हंसना या पेचीदा होना यहाँ पर है, जैसे कि पेचीदा होना या टेढ़ी फंसना ये बताया गया है। आदि मुहावरे का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, इन अनुप्रास, साथ साथ, इन सब में क्या उपयोग किया गया है? अनुप्रास और पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार का उपयोग किया गया है, बात यहाँ पर है। नेक्स्ट हम देखें, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं, जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। ना सोचे समझे, और फिर क्या होता है आखिरकार, यानी अंत में जो पीछे रह गई या बेअसर हो गई। तो इसमें कवि ने क्लिष्ट शब्दों की कविता में अनुपयोगिता बताई है कि क्लिष्ट शब्दों को कविता में उपयोग नहीं करना चाहिए। बात सीधी थी उसे ही यहाँ पर कहना चाहिए। तो कवि कहता है कि उसने सीधी सादी बात को व्यक्त करने के लिए आकर्षक एवं कठिन भाषा का प्रयोग करने की भूल की। इससे कविता में निहित भाव अस्पष्ट हो गया। कवि ने इस कठिन समस्या पर धैर्य पूर्वक सोच विचार नहीं किया, बजाय इसके कि इस बात पर भाषा के कसाब को ढीला करता, उसे सरल बनाता, वह उसे और अधिक कसता जा रहा था। कभी इस प्रयास पर तमाशा देखने वाले लोग उसकी प्रशंसा और वाहवाही कसने पर उसकी चूड़ी मर जाती है और वह कसने के स्थान पर बेकार ही घूमने लगता है। तो कुछ लोगों को यह भ्रम रहता है कि बात को यदि पांडित कहा जाए तो श्रोताओं को बहुत प्रभावित करेगी, ऐसे पाठकों और श्रोताओं तक पहुंचाने में विफल रहते हैं। ऐसे रचनाकार यहाँ पर कवि ने कवियों को सलाह दी है कि उन्हें उन लोगों की प्रशंसाओं पर ध्यान न देना चाहिए जो चमत्कार प्रदर्शन और शब्दों के आडंबर को श्रेष्ठ काव्य मानते हैं। कविता की काया को सजाने के चक्कर में कवि अपनी रचना के ध्रुव और अप्रभावी बना डालता है। तो यहाँ पर बात की चूड़ी में यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और जोर जबरदस्ती में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पेज को कसने की प्रक्रिया के माध्यम से हमें पूरे काव्य का। नेक्स्ट हम देखें, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक अंदर से, न तो उसमें बात ने जो ही थी को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा।
जाता है कि भाव जोर जबरदस्ती से कठिन भाषा में ठोक देने से वह प्रभावहीन हो जाता है, सरल भाषा में मार्मिक भाव प्रकाशित किए जा सकते हैं। तो कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि जब वह चमत्कार पूर्ण भाषा का प्रयोग करके भी अपने सरल मनोभावों को व्यक्त नहीं कर पाया तो निराश होकर उसने भावों को वही क्लिष्ट भाषा में बलपूर्वक भर दिया। उसका यह कार्य ऐसा ही था जैसे कि कोई पेज की चूड़ी मर जाने पर उसे कील की तरह हथौड़े से ठोक दे। इससे यह पेज ऊपर से तो ठीक ठाक लगता है परंतु अंदर से उसकी पकड़ में मजबूती या कसाव नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार क्लिष्ट भावहीन भाषा में व्यक्त मनोभाव में सौंदर्य, आकर्षण और पाठक को प्रभाव से प्रभावित करने की शक्ति नहीं होती है। अपने असफलता पर कवि निराश था और बेचैन होकर बार बार पसीना पोंछ रहा था। यह देखकर उसके मन के भाव किसी शरारती बच्चे की तरह उसे छेड़, उन्होंने कवि से पूछा कि क्या यह अभी तक के लिए सरल सुरबोध भाषा का प्रयोग नहीं सीख पाया है? सरल भाषा अभी तक के प्रयोग से ही श्रेष्ठतम भाव व्यक्त किए जा सकते हैं। यानी कली यहाँ कवि है यहाँ पर क्लिष्ट और पांडित्यपूर्ण चमत्कारी भाषा में सरल भावों को व्यक्त करने में सफल नहीं हो सका। उसने सभी प्रयास बेकार गए और वह वही भाषा का प्रयोग करने में असफल रहा। वह अपने प्रयासों से हार मान गया। यानी चमत्कार पूर्ण भाषा में प्रयुक्त स्वाभाविक भाव लोगों के मन को प्रभावित नहीं करते हैं, उनमें पाठकों के अंदर तक प्रभावित करने की शक्ति नहीं होती है, उसमें काम्य सौंदर्य का अभाव भी होता है। तो कवि यहाँ पर कील की तरह ठोक दिया, बात से खेल रही थी। इस नवी में क्या है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम देखें कुछ जैसे कि क्वेश्चन देखें। कविता में कविता के बहाने कविता की तुलना किससे सार्थक मानी गई है? यानी कवि यहाँ पर किसकी तुलना किससे सार्थक करेगा तब मानी गई है। तो कविता की तुलना यहाँ पर बच्चों का खेलना इससे सार्थक मानी गई है। नेक्स्ट हम देखें कर्तव्य शब्द। कर्तव्य शब्द से क्या मतलब क्या होता है? कर्तव्य का मतलब होता है एक तरीके से, एक कर देने के माने का संदेश देने वाला यहाँ पर होता है। कविता के बहाने शीर्षक कविता का उद्देश्य क्या है? के महत्व और प्रभाव को स्थापित करना चाहा है। यद्यपि कविता में लोगों की रुचि कम हुई है फिर भी मानवीय मूल्यों के रक्षण और सामाजिक समरसता की दृष्टि से कविता आज भी प्रासंगिक है। चिड़िया की उड़ान, फूलों का खिलना, बच्चों के खेलने खेल को प्रतीक बनाकर कवि कविता के असीम प्रभाव को सत्यापित किया है। कविता के मध्य महत्व को पुनः स्थापित करना ही कवि का लक्ष्य यहाँ पर प्रेरित होता है। बिना मुरझाए कौन महकता है और क्यों महकता है? फूलों के खिलने के बहाने कवि ने कविता के अंदर की जो चिरंतनता है उसको प्रमाणित किया है। फूल खिलता अवश्य है किंतु समय के साथ वह मुरझा जाता है। उसका सुंदर रूप सुगंध समय के साथ दया पर आश्रित है। उसके खिलने की उम्र बहुत छोटी होती है। उसके विपरीत कविता ऐसे फूल हैं जिनका आकर्षण युगों तक बना रहता है, उनकी महकता दूर दूर तक फैलती है। इनका कारण यह है कि फूल एक क्षणिक प्राकृतिक घटना है, कविता मानव हृदय की चिरंतन भावधारा और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है, कभी मुरझाती नहीं है। नेक्स्ट हम देखें भाषा के चक्कर में सीधी बात टेढ़ी हो जाती है, समझाइए। यहाँ पर यह कवि के भारी रूप और शिल्प पर अधिक बल देता है। कविता का सीधा साधा कथ्य भी सहज रूप से पाठकों तक नहीं पहुंच पाता है। भाषा की साज सज्जा के चक्कर में कविता की आत्मा की बात है, यानी कवि की जो आत्मा की बात है वो कवि यहाँ पर नहीं कह पाता है। आत्मबात अनका है, वह अपने बात और मनोप्रभावशाली भाषा प्रकट करने के बिना सोचे समझे उसने बात की भाषा में बल कोशिश की और वह अपने उद्देश्य में विफल रहा। कविता का भाव यहाँ पर
और यहाँ पर भी भावार्थ पूछा है, जैसे कविता एक खेल है, बच्चा ही जाने, बाकी कविता ही बच्चों की खेल की भांति एक प्रकार का खेल है। बच्चे खेलते समय एक घर से दूसरे घर में बिना किसी झिझक और अपने पराये का भेद किए बिना खेलते जाते हैं। उनके मन में कोई भेदभाव नहीं होता है। वे अपनी सुंदर क्रीड़ाओं से घर को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं। इस प्रकार बच्चे मानवीय एकता के संदेश वाहक होते हैं। इसी प्रकार कविता के माध्यम से अपनी भावना और कल्पनाओं से खेला करता है कवि। उसकी कविता भी घर घर में पहुंचती है, लोगों को आनंदित करती है। कविता का प्रभाव देश और काल की सीमाओं से परे होता है। कविता एक देश से दूसरे देश को जोड़ती है। कविता इस विश्वव्यापी प्रभाव को आनंद वे ही उठा पाते हैं जो बच्चों के समान पक्षपात रहित और सरल हृदय के हुआ करते हैं।